सो ही गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप रियलमी C55 मोबाइल में किस तरीके से ऐप्स को हाइड कर सकते हो। दोस्तों, ऐप्स हाइड करने के लिए आपको कोई भी ऐप डाउनलोड करने की जरूरत तो नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है, सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में आ जाने के बाद नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा प्राइवेसी, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद हाइड ऐप्स, इस पर जाना है। अब आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है, जो भी आप रखना चाहते हो अपने ऐप्स हाइड के लिए। उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। अब जिस भी ऐप्स को आप छुपाना चाहते हो उसको यहाँ से छुपा दीजिए। चलिए, मैं यहाँ पर फ्लिपकार्ट को छुपाना चाहता हूँ, इसको छुपा दूंगा। जैसे आप छुपाने के लिए क्लिक करोगे तो यहाँ पर सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से एक्सेस कोड आपको बना लेना है। सबसे पहले हैज लगाना है, उसके बाद कोई भी 4 अंकों का पासवर्ड आप लगा लीजिए, उसके बाद फिर से हैज लगा लीजिए, तो ये आपका एक्सेस कोड हो जाएगा, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर राइट का निशान जो दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद गई जहाँ पर डन करना है। डन करने के बाद ये आपका फ्लिपकार्ट हाइड हो जाएगा। अब आप और भी ऐप्स को हाइड करना चाहते हो तो और भी ऐप्स को हाइड कर लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर जिस भी ऐप्स को हाइड कर दूंगा वो ऐप्स यहाँ से हाइड हो जाएंगे। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये ऐप्स आपके हाइड हो चुके हैं। यहाँ पर देखोगे तो वो ऐप्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो देखने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले डायलर में जाना है और यहाँ पर आपको वही वाला कोड डाल देना है जो आपने अभी एक्सेस कोड बनाया था, और उसके बाद फिर से हैज लगा देना है और देखिए आपके हाइड हुए ऐप्स आपके सामने आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप इस काम को कर सकते हो।